तो आ गए हम दोस्तों एक और नए मैच हाईलाइट में। ये देखना पड़ेगा आज कौन सी टीम चिकन डिनर निकालती है। अभी तक तो काफ़ी अच्छे मैचेस निकले और काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया सारी टीमों ने। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आज चिकन डिनर निकालती है और कौन सी टीम आप सबको इम्प्रेस करती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते सीधा मैच की तरफ। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम कौन से ड्रॉप लोकेशन को एक्वायर करती है और प्लेन पाथ हमारा कहाँ से निकलता है। अभी तक जो मैचेस हुए काफ़ी अच्छे स्किल्स दिखाए सारे बंदों ने। तो देखना पड़ेगा कि आज कौन सी टीम कमाल दिखाती है अपने गेम प्ले से। और हमारा प्लेन पाथ निकल चुका है सेवरनी से। फेरी पेरी के ऊपर से हमें दूसरे आइलैंड मिलिट्री बेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्लेन पाथ। तो देखना पड़ेगा कि कौन से ड्रॉप लोकेशन पे टीम लैंड करना पसंद करती है। कोई भी टीम की अर्ली फाइट हमें देखने को मिलती है या फाइट डिले करना पसंद करेंगी सारी टीमें। और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सर्कल हमारा कहाँ पे बनता है। आधे से ज़्यादा बंदे हमारे उतर चुके। देखना पड़ेगा कि मिलिट्री बेस और नोवो रेपनॉय में कौन सी टीमें जाना पसंद करती है। माल्टा पावर की तरफ कोई टीम जाती है या नहीं, या पे अर्ली स्टेज पे कोई फाइट लेना पसंद करेगा या नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लगभग सारे बंदे हमारे उतर चुके और आराम से लूट करना पसंद करेंगे। देखना पड़ेगा कि किसी के ड्रॉप लोकेशन पे कोई बंदे जाते हैं या नहीं। यहाँ पे कोचिंग की साइड हमें दो टीमें देखने को मिल रहे हैं। क्या अर्ली फाइट लेंगे? यहाँ पे टीम नंबर 5 फैलकॉन के बंदे यहाँ पे स्कूल की तरफ लूट करते हुए। फिलहाल के लिए कोई परेशानी नहीं उनको। उनके आसपास कोई भी टीम हमें दिखाई नहीं दे रही है। रोजोक की साइड टीम नंबर 1 हमें दिखाई दे रहे, लेकिन अर्ली फाइट कोई भी टीम नहीं चाहेगी लेना, क्योंकि अर्ली स्टेज पे कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बंदे खोए। या फिर टीम नंबर 24 लूट करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं यसनाए की तरफ। यहाँ पे हमें यसनाए में भी दो टीमें दिखाई दे रही है। टीम नंबर 17 हमें जॉर्जो पुल की तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिटी की तरफ भी टीम नंबर 14। देखना पड़ेगा कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर 17। उनको पता है कि वहाँ पे बंदे हैं, इसलिए निकलने से ही उनकी भलाई है। टीम नंबर 21 यहाँ पे आराम से लूट करते हुए। क्या पता है उनको कि उनके सामने भी एक टीम है। यहाँ पे पोचिंग की में हमें अर्ली फाइट देखने को मिल सकती है। आराम से लूट करते हुए बंदे टीम नंबर 11 उनके सामने। देखना पड़ेगा कि दोनों ही टीमों को क्या पता है कि उनके आसपास बंदे टीम नंबर 12 के बंदे यहाँ पे लूट करने के लिए जाने की कोशिश। उनके आसपास फिलहाल के लिए तो कोई बंदे नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 3 उनके पास थी, लेकिन जैसे तैसे टीम नंबर 3 यहाँ से बच के निकलने में कामयाब। यहाँ पे रोजोक की साइड हमें टीम नंबर 1 देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सर्कल हमारा काफ़ी मिडल में बन चुका है। सर्कल के बाहर हमें बहुत सी टीमें देखने को मिल रही है, उनको सर्कल के अंदर रोटेट करना होगा। यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक बंदा नॉक पड़ता हुआ उनके सामने। टीम नंबर 2 यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर दिया है। टीम नंबर 2 के बंदे अच्छे तरीके से अपनी टीम के लिए किल बटोरते हुए। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टीम नंबर 9 के बंदे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे चारों बंदे अलाइव टीम नंबर 2 के। टीम नंबर 9 यहाँ पे एक बंदे के लॉस पे खेल रहे हैं। अर्ली स्टेज पे अपने बंदे को खोना पड़ा। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम नोवो रेपनॉय से बच के निकल पाती है और कौन सी टीम अपने स्किल सेट से हमें इम्प्रेस करती है। चलते टीम नंबर 11 की तरफ। उनके सामने टीम नंबर 21 के बंदे यहाँ पे लगता है उनको पता नहीं कि उनके सामने बंदे दिक्कत में आ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं टीम नंबर 21 के बंदे, क्या स्पॉट कर पाएंगे। इनके ऊपर फायर देते हुए क्या नॉक हो जाएंगे या जैसे जैसे बच के निकल जाएंगे अपने बंदे से। काफ़ी स्प्लिट यहाँ पे। देखना पड़ेगा कि क्या करते टीम नंबर 21 के बंदे। स्पॉट तो किया था और अच्छा खासा डैमेज भी दिया है। क्या नॉक हो पाएंगे? यहाँ पे स्पॉट करने की लगातार कोशिश कर रहे टीम नंबर 11 का बंदा। क्या अपने टीम के लिए नॉक निकाल पाएगा? यहाँ पे दो ही बंदे हमें दिखाई दे रहे टीम नंबर 11 की तरफ से। काफ़ी स्प्लिट खेल रहे बंदे और यहाँ पे टीम नंबर 21 के भी बंदे यहाँ पे काफ़ी स्प्लिट दिखाई दे रहे हैं। दो बंदे हमें पोचिंग की साइड दिखाई दे रहे। देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट में आता है या नहीं। यहाँ पे स्पॉट किया था, यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश। नॉक हो पाएंगे या नहीं? हाफ एचपी कर दिया था टीम नंबर 20 के बंदे की तरफ से। यहाँ पे 20 एचपी बंदों ने भी स्पॉट कर लिया टीम नंबर 21 की।
यहाँ पे क्लोज जाने की कोशिश करें। अकेले बंदे, उनको पता है कि अकेले बंदे यहाँ पे नॉक फिनिश डालना पसंद करेंगे। यहाँ पे डैमेज तो अच्छा खासा दिया था लेकिन कोई नुकसान नहीं, स्मोक करके बचने की कोशिश। यहाँ पे किल फीड काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। एक बंदा नॉक हो चुका है टीम नंबर 21 का, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन, काफ़ी ओपन में टीम नंबर 21। यहाँ पे फ्लैंक करके नॉक निकालने की कोशिश, उसमें कामयाब भी रहे। यहाँ पे चलने की कोशिश करेंगे, लगता है कि यहाँ पे दिक्कत में आ सकती है। यहाँ पे टीम नंबर 11 के ऊपर ट्रेड नॉक आता हुआ यहाँ पे क्लोज रेंज जाने की कोशिश करेंगे। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम फाइट निकालती है। काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट ली अभी तक टीम नंबर 21 के बंदों ने। यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं, क्या नॉक कर पाएंगे? डैमेज किया था, 20 HP बचे बंदे, यहाँ पे हेड लगते तो दिक्कत में आ सकते थे। और यहाँ पे टीम नंबर 11 पूरी की पूरी वाइप आउट होती हुई। काफ़ी अच्छी फाइट ली टीम नंबर 21 ने, कोई भी बंदा लूज नहीं किया अपना इस फाइट में। जहाँ तक सर्कल की बात है, सर्कल के अंदर जल्दी से जल्दी टीमों को आना पड़ेगा जो भी सर्कल के बाहर है। यहाँ पे चलते हैं टीम नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे टीम नंबर 8 रोटेशन देती हुई, लगता है बंदों को स्पॉट कर लिया है लेकिन कोई बंदे नहीं उनके सामने। टीम नंबर 7 का किलर ओम माल्टा के अंदर होल्ड करने की कोशिश, हेलमेट नहीं उनके पास, जल्दी से जल्दी हेलमेट ढूंढना पड़ गया। यहाँ पे टीम नंबर 9 की जहाँ तक बात करें, उनके सामने टीम नंबर 2 है, काफ़ी अर्ली स्टेज पर अपने बंदे को खोया था टीम नंबर 9 ने। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फाइट बैक करते हैं टीम नंबर 2 के साथ। यहाँ पे जहाँ तक देख पा रहे हैं, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्या टीम नंबर 2 के बंदे इनको स्पॉट करेंगे? देखना पड़ेगा, काफ़ी डिले कर दिया फाइट को। टीम नंबर 20 की तरफ फायर आता हुआ टीम नंबर 10 की तरफ से। यहाँ पे देखना पड़ेगा, अकेले बंदे हमें दिखाई दे रहे पेट्रोल पंप की तरफ, क्या नॉक फिनिश डाल पाएगी टीम नंबर 10? यहाँ पे X12 लगता है स्पॉट कर लिया है, यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है टीम नंबर 9 ने, आराम से रिवाइव दे जाएंगे। टीम नंबर 9 यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफ़ी ओपन में उनको टीम नंबर 2 का बंदा मिला तो नॉक कर दिया। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फ़ाइट लेते हैं टीम नंबर 9 या नहीं। यहाँ पे फ्लैंकिंग पोजीशन पे जाने की कोशिश टीम नंबर 9 के सोल माफिया की तरफ से, देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ से फ़ाइट निकालती है। काफ़ी डिले हो गई थी फ़ाइट, यहाँ पे 9 वे दोनों ही टीम में थी लेकिन किसी ने फ़ाइट नहीं ली। यहाँ पे हमें फ़ाइट देखने को मिल सकती है DP with Forest। देखना पड़ेगा कि सोल माफिया यहाँ से कैसा गेम प्ले दिखाती है, क्या नॉक निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए। फ्लैंकिंग पोजीशन पे यहाँ पे टीम नंबर 2 का बंदा भी फ्लैंकिंग पोजीशन पे, यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश थी लेकिन फिलहाल के लिए कोई डैमेज नहीं। काफ़ी दिक्कत में आ सकती है टीम नंबर 2, अगर कोई भी बंदा टीम नंबर 9 का फ्लैंकिंग पोजीशन पर गया तो काफ़ी दिक्कत में आ सकती है टीम किंग कॉन्ग। और यहाँ पे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि फ्लैंकिंग पोजीशन पे जाते हुए शील्ड स्वप्निल और रुतिक, देखना पड़ेगा कि क्या कर पाएंगे। यहाँ पे पॉट जाते स्प्रे भी देने की कोशिश बच पाए, सर्कल हमारा निकल चुका है। यहाँ पे दोनों टीमों को दिक्कत आ सकती है अगर फाइट ज़्यादा डिले हुई तो सर्कल से बाहर हो गई। यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश टीम नंबर 22 के तरफ से, काफ़ी अच्छा स्किल और यहाँ पे इंस्टेंट नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। दो बंदे यहाँ पे नॉक दिखाई दे रहे हैं हमें टीम नंबर 10 की। यहाँ पे नेट करने की कोशिश टीम नंबर 22 के बंदे, देखना पड़ेगा कोई दिक्कत दे पाती है या नहीं। यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया यहाँ पे अकेले बंदे, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहे हैं काफ़ी स्पीड। दो बंदे यहाँ पे अलाइव टीम नंबर 10 के, एक बंदा काफ़ी दूर, उनसे अकेले फाइट निकालनी पड़ेगी, उनसे कवर दे पाती है या नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 22 के बंदे को एक नॉक कर दिया है और काफ़ी कम एज पे एक बंदे की, देखना पड़ेगा पूरा फिनिश कर पाती है या नहीं, कौन सी टीम यहाँ से फाइट निकालती है। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी टीम नंबर 22, यहाँ पे दो नॉक फिनिश निकाल दिए थे लेकिन फिलहाल उनके ऊपर ये स्ट्रैटेजी भारी पड़ती हुई। यहाँ पे टीम नंबर 22 क्या नॉक कर पाएंगे? यहाँ पे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 22 के बंदे, यहाँ पे काफ़ी कम एच पी रहती है। यहाँ पे मॉली करने की कोशिश, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट निकाली अकेले बंदे ने। यहाँ पे टीम नंबर 22 का बंदा काफ़ी स्प्लिट दिखाई दे रहा है हमें और वहाँ पे तीन बंदे थे और यहाँ पे नॉक फिनिश पूरा का पूरा कर दिया जाएगा टीम नंबर 22 को। अकेले बंदे काफ़ी स्पीड खेल रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 9 स्पॉट करने की कोशिश लगाता टीम नंबर 2 को, देखना पड़ेगा क्या कौन सी टीम यहाँ से बच के निकल पाती है। यहाँ पे सर्कल आ चुका है हमारा और अकेले बंदे, बाकी X12 पूरे टीम को खा लिया है टीम नंबर 9 ने। यहाँ पे X12 को क्या स्पॉट कर पाएंगे टीम नंबर 9? स्पॉट तो कर लिया, यहाँ पे ऑफलाइन लगता है ऑफलाइन चलेगा और यहाँ पे पूरा स्क्वाड वाइप आउट होता हुआ टीम नंबर 2। काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट निकाली टीम नंबर 9 ने और यहाँ से 4 किल लेके जाएंगे। एक बंदे को अर्ली स्टेज पे खो दिया था लेकिन काफ़ी अच्छी फाइट निकाली। यहाँ पे टीम नंबर 12 की बात करें, उनके सामने भी टीम नंबर 3 हमें दिखाई दे रही है,
देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है या नहीं। बंदूक को तो स्पॉट कर लिया है, यहाँ पे टीपी भी का अच्छा इस्तेमाल करती हुई टीम नंबर 12। एक बात मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, जिस बंदी की फाइट देख रहा हूँ स्प्लिट बंदे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट क्यों खेल रहे हैं, अकेले बंदे मर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत में आ सकती है। टीम नंबर 3 यहाँ पे टीम नंबर 16 स्पॉट करने की कोशिश, सर्कल के बाहर टीम नंबर 5 उनके ऊपर फायर देते हुए, यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों में फैलकॉन की टीम, दो बंदे नॉक। यहाँ पे देखना पड़ेगा रिवाइव दे पाते हैं या नहीं। यहाँ पे भी हमें स्प्लिट बंदे दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 16 के दो बंदे सर्कल के अंदर, दो बंदे सर्कल के बाहर और दो बंदे फैलकॉन के बंदों की नॉक है। यहाँ पे नॉक फिनिश हो जाएंगे, एक फैलकॉन अमित, तीन बंदे बाकी रहते हैं, रिवाइव हो चुके हैं एक बंदे। देखना पड़ेगा यहाँ पे टीम नंबर 16 के बंदों को स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। आराम से लेटे हुए टीम नंबर 16 के बंदे, IGL की टीम, IGL पैराडॉक्स यहाँ पे लेट के देखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे स्पॉट कर लिया और एक नॉक भी कर दिया है फैलकॉन राव ने, यहाँ पे दूसरे बंदे को भी स्पॉट कर, देखना पड़ेगा नॉक कर पाती है या नहीं, क्या बंदे को पता नहीं। और यहाँ पे दूसरा भी नॉक कर दिया है, इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी फाइट निकाली अभी तक एक बंदे के लॉस पे, दूर से कवर दे रहे टीम नंबर 16 के बंदे, देखना पड़ेगा कोई नुकसान दे पाती है या नहीं। टीम नंबर 16 के बंदे टीम नंबर 5 को दो नॉक फिनिश निकाल चुके हैं। यहाँ पे फैलकॉन राउंड काफ़ी अच्छा फ्लैंकिंग पोजीशन पे गए थे, यहाँ पे टीम नंबर 16 IGL की तरफ से स्पॉट करने की कोशिश, यहाँ पे दो नॉक हो चुके हैं। अभी भी टीम नंबर 5 के बंदे या फिर फैलकॉन के बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे दो नॉक हो चुके हैं, डेड शॉट अकेले बचे, देखना पड़ेगा कि रिवाइव दे पाती है या नहीं। यहाँ पे IGL सर्कल के बाहर है टीम नंबर 5, तो फिलहाल के लिए तो काफ़ी दिक्कतों में टीम नंबर 5, यहाँ पे सर्कल के अंदर जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, लेकिन गेट कीप कर रहे हैं टीम नंबर 16। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टीम नंबर 5 के पास कोई भी चांस है बाहर निकलने का, उनकी गाड़ियाँ भी फोड़ दी है, देखना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे फाइट देखने को मिल रही है हमें टीम नंबर 20 की तरफ से, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा हेडशॉट देखने को मिला हमें ऋषभ की तरफ से, देखना पड़ेगा कि फिनिश कर पाएंगे या नहीं। टीम नंबर 19 के बंदे एक यहाँ पे भी काफ़ी स्प्लिट दिखाई दे रहे हैं हमें, टीम नंबर 19 के बंदे नॉक फिनिश कर पाएंगे या नहीं देखना पड़ेगा। क्या टीम नंबर 20 के बंदे टीम नंबर 19 की तरफ पुश करना पसंद करेंगे, लगातार स्पॉट करके स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। यहाँ पे काफ़ी कम एचपी कर दी थी, लेकिन एक नॉक निकाल लिया टीम नंबर 19 ने, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे। यहाँ पे दूसरा भी नॉक निकाल सकती, दूसरा भी नॉक निकाल लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट निकालती हुई। यहाँ पे टीम नंबर 20 का हमें अकेला बंदा दिखाई दे रहा है, उनके बैक स्टैप हो सकता है टीम नंबर 10 की तरफ से, देखना पड़ेगा टीम नंबर 10 यहाँ से कैसी फाइट लेती है। टीम नंबर 10 के बंदे आराम से पीछे से आते हुए, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहाँ से बच के निकल पाती है। यहाँ पे टीम नंबर 20 को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यहाँ पे कंट्रोल पोजीशन पे एक बंदा और यहाँ पे नॉक भी कर दिया है। टीम नंबर 10 के बंदे आराम से क्रेट्स लूटते हुए लूट कर रहे हैं आराम से, उनको पता है कि उनके सामने दो टीमों की फाइट चल रही है, तो आराम से एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे जली हुई बग्गी के साथ जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे टीम नंबर 20 को पूरा का पूरा वाइप आउट कर लिया है टीम नंबर 19 ने। टीम नंबर 10 आराम से किल निकाल सकती थी, देखना पड़ेगा कि पोजीशन लेके बैठते हैं या फिर टीम नंबर 19 आराम से निकल जाती है। यहाँ पे तीन टीम हमें दिखाई दे रही है, टीम नंबर 10, टीम नंबर 19, टीम नंबर 22। यहाँ पे मोटर ग्लाइडर के ऊपर चढ़ के सवारी करते हुए टीम नंबर 22 के बंदे, यहाँ पे अकेले बंदे बचे हुए हैं, काफ़ी आराम से घूम रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 16 हमें दिखाई दे रहे हैं, दो बंदों के लॉस पे। यहाँ पे टीम नंबर 5 को पूरा का पूरा वाइपआउट कर लिया, लेकिन सर्कल के बाहर अभी भी उनको सर्कल के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी फाइट ली टीम नंबर 5 के साथ, सर्कल के बाहर उनको पिन करके रखा और आखिर में उनको पूरा फिनिश कर दिया टीम नंबर 7 के किलर रूम हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने बंदों के साथ काफ़ी ओपन में सर्कल के अंदर उनको भी निकलना पड़ेगा, अगला सर्कल बन चुका है और हमें कुछ ही देर में सर्कल भी दिखाई देगा, तो देखना पड़ेगा कौन सी टीम सर्कल के बाहर है और कौन सी टीम सर्कल का एडवांटेज लेके अच्छे खासे किल्स उठाती है। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीम नंबर 7 के अकेले बंदे जा रहे हैं बग्गी से, उनके सामने टीम नंबर 13 है, यहाँ पे क्या स्पॉट कर पाएंगे। अगर स्पॉट हुए तो अकेले बंदे पूरा नॉक फिनिश डाल दिया जाएगा उनको, देखना पड़ेगा जैसे तैसे निकलने की कोशिश। यहाँ पे अपने रोटेशन की तरफ जाते हुए सर्कल के अंदर टीम नंबर 13, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है कि उनके सामने टीम नंबर 7, यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करेंगे उसी के साथ और, लेकिन फिलहाल के लिए कोई परेशानी नहीं टीम नंबर 7 को। यहाँ पे क्रैशिंग कर दिया था टीम नंबर 7 ने, एक बंद यश को पूरा नॉक फिनिश कर दिया है, या फिर दूसरे बंदे को भी पूरा नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे किलर रूम को निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि
यहाँ पे टीम नंबर 13 के सारे बंदे होल्ड करके बैठे हुए थे। यहाँ पे क्रैशिंग करना काफ़ी नुकसान दिया है उनको। यहाँ पे अकेले बंदे बचे हुए टीम नंबर 7 के, उनको होल्ड करके खेलना पड़ेगा सर्कल के बाहर। सर्कल के एज भी दिखाई दे रहे हैं हमें टीम नंबर 7 के बंदे, सर्कल के बाहर भी काफ़ी टीम है। अगला सर्कल हमें बनता हुआ दिखाई देगा, देखना पड़ेगा क्या हमारा अगला सर्कल काफ़ी बनता है। जो टीमें सर्कल के बाहर है उनको जल्द से जल्द सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे पड़ सकती है बंदों को। यहाँ पे टीम नंबर 25 काफ़ी अच्छी पोजीशन में फ़िलहाल के लिए स्पॉट करने की कोशिश, सिर्फ उनको क्रैशिंग होने से बचना है अपने ऊपर। यहाँ पे टीम नंबर 25 का बंदा, उसके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है कि ऑफलाइन चले गए थे। अगला सर्कल बन चुका है हमारा। टीम नंबर 14 के सामने हमें टीम नंबर 4 दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी कम एच पी जॉर्जो पुल की तरफ, यहाँ पे फाइट लेना काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है दोनों ही टीमें, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास यूटिलिटीज़ की कमी तो नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ फाइट ली तो दोनों ही टीमों को नुकसान होगा, सर्कल के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। इतना डिले काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है। यहाँ पर टीम नंबर 14 सर्कल के अंदर निकलने की कोशिश कर रही है, देखना पड़ेगा कि टीम नंबर 4 यहाँ से कैसे निकलती है। उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं है, देखना पड़ेगा कि क्या करते टीम नंबर 4। यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर कुछ नहीं, एम्प्टी एयर ड्रॉप लूट लिया है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्कल के अंदर काफ़ी कम टीमें हमें दिखाई दे रही है, सर्कल के जल्द से जल्द अंदर जाके होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्ले जोन से काफ़ी किल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 1 अपने रोटेशन की तरफ जाती हुई, उनके सामने टीम नंबर 25 काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है। यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे होल्ड करना पसंद करते हैं। यहाँ पे हंटर गॉडेक्स टीम SCP के ऊपर कहर बर पाते हुए काफ़ी अच्छे खासे किल्स बटोर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे जगह पे टीम नंबर 1, यहाँ पे टीम नंबर 25 भी सर्कल के अंदर है फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं दोनों ही टीमों के लिए। ऐसे मोमेंट पे जो टीमें सर्कल के बाहर रहती है क्रैशिंग होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम के पास अच्छा गन पावर है, गन पावर के हिसाब से कौन सी टीम अपने घर के ऊपर क्रैशिंग होने से बच पाती है। यहाँ पे टीम नंबर 21 की बात करें, उनके आसपास टीम नंबर 25 टीम नंबर 8 भी हमें दिखाई दे रहे हैं। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइट देखने मिल सकती है नई सर्कल के अंदर, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगला सर्कल इनकी तरफ बनता है या नहीं, काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है टीमें चारों ही जो होल्ड करके बैठी हुई सर्कल के एज पे। यहाँ पे टीम नंबर 10 काफ़ी दिक्कतों में अकेले बंदे बचे हुए, देखना पड़ेगा टीम नंबर 14 को यहाँ पे क्रिएट बनता हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट ली, काफ़ी हार्ड शेप लिया जाता सर्कल ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सरकारी ड्रॉप आता हुआ, सरकारी ड्रॉप M249 और लेवल 3 का सारा सामान, काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ रह सकती है। यहाँ पे प्ले जोन से लगातार हमें किल्स देखने को मिल रहे, और यहाँ पे टीम नंबर 19 की तरफ से स्पॉट करने की कोशिश। यहाँ पे सर्कल के अंदर लगभग सारी के सारी टीमें, 2-3 टीमें हमें सर्कल के बाहर दिखाई दे रही है। यहाँ पे बंदे को स्पॉट कर लिया जाता है और यहाँ पे पूरा नॉक कर दिया जाएगा टीम नंबर 25 की तरफ से, लेकिन अकेले बंदे दिखाई दे रहे थे हमें। एक बंदे को नॉक तो कर लिया था, लेकिन ट्रेड में वो भी नॉक हो चुकी है। यहाँ पे टीम नंबर 8 क्लोजिंग करती हुई, देखना पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 25 के बंदे को पूरा नॉक फिनिश कर दिया जाएगा या नहीं, एक और बंदी की क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि पूरा नॉक फिनिश कर पाते हैं या नहीं, कैसे फाइट लेते हैं। यहाँ पे ग्रोजा UMP के साथ सोच ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फोल्ड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन टीम नंबर 8 टीम नंबर 25 की तरफ से। यहाँ पे दो बंदे चढ़ते हुए टीम नंबर 8 सोच ऊपर की तरफ, देखना पड़ेगा कि ट्रेड में नॉक होते हुए नॉक फिनिश भी कर दिया जाएगा। तो जोकर को टीम नंबर 8 काफ़ी नुकसान में। यहाँ पे किंग डेविल अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, अच्छी कोशिश की थी सोल जोकर ने, एक नॉक भी निकाल लिया था, फिनिश भी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको ही फिनिश कर दिया। सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका, 38 बंदे अभी भी अलाइव, 14 टीमें अभी भी अलाइव। देखना पड़ेगा कि सर्कल के बाहर जो टीमें, यहाँ पे सर्कल के अंदर जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। काफ़ी देर से सर्कल के बाहर दिखाई दे रही है हमें टीम नंबर 14, यहाँ पे जैसे तैसे टीम नंबर 4 सर्कल के बाहर निकलती हुई, देखना पड़ेगा कौन सी यूटिलिटीज़ है उनके पास, फर्स्ट एड पॉपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 17 का, टीम नंबर 23 का यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा स्प्रे यहाँ पे देखने को मिला हमें और पूरा वाइपआउट कर लिया टीम नंबर 23 को। यहाँ पे टीम नंबर 4 यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी, यहाँ पे हीलिंग्स कुछ भी दिखाई दे नहीं रहे हमें उनके पास, काफ़ी दिक्कतों में आ सकती है टीम सर्कल के एज पे दिखाई दे रहे हैं। सर्कल के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 21 के बंदे यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं टीम नंबर 8 के बंदों को, टीम नंबर 14 के बंदों को
देखना पड़ेगा फिलहाल के लिए तो लेटे हुए सर्कल के अंदर है टीम नंबर 21, लेकिन उनको उनके ऊपर पुश होने से बचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से स्पॉट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगला सर्कल कहाँ पे बनता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। 1 मिनट है सर्कल को, जो टीम है सर्कल के बाहर सर्कल के अंदर जल्द से जल्द आना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 8 ने अच्छी फाइट ली थी, यहाँ पे दो दो बंदों को यहाँ पे नॉक फिनिश डाल दिया गया था। यहाँ पे टीम नंबर 19 के पास हमें काफ़ी अच्छी गन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 19 के बंदे को स्पॉट पर कर लिया था, यहाँ पे ओम के साथ नॉक निकालने की कोशिश, लेकिन काफ़ी कम एचपी कर दी थी उनकी। यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश, देखना पड़ेगा कि कुछ कमाल दिखा पाती है ओम के साथ या नहीं टीम नंबर 8 के बंदों के ऊपर। सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है, 12 टीम ही और 35 बंदे अभी भी जिंदा है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट हमें काफ़ी देखने को मिल सकती है। सर्कल के बाहर हमें 3-4 टीमें हमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं, सर्कल के अंदर जल्द से जल्द आना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कल लगातार हार्डशिप लेता हुआ टीम नंबर 17 हमें भी अभी भी सर्कल के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन क्रैशिंग होने से रुकना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते देखना पड़ेगा। टीम नंबर 12 के बंदे यहाँ पे लगातार स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं सर्कल की एज पे, कितने देर उनके ऊपर सर्कल रखता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यहाँ पे टीम नंबर 8 और टीम नंबर 9 के बंदे भी उनके आसपास लगातार रोटेट करते हुए फिलहाल के लिए तो काफ़ी आराम से होल्ड करके बैठे हुए हैं। टीम नंबर 4 के लिए यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, देखना पड़ेगा कि टीम नंबर 4 यहाँ से कैसे फाइट निकालती हुए। यहाँ पे ओम के साथ काफ़ी कम एचपी, उनके पास हीलिंग्स की भी काफ़ी कमी है, सर्कल के बाहर से रोटेट करते हुए आए थे, देखना पड़ेगा। डीप का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक यहाँ पे रह सकते हैं सर्कल उनके ऊपर बनता है या नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 1 अच्छी जगह पे सर्कल के बीच में दिखाई दे रहे हैं, हमें अच्छे खासे किल्स यहाँ से मिल सकते हैं टीम नंबर 1 को। यहाँ पे टीम नंबर 17 जैसे जैसे अपनी गाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल करके कवर में छुपे हुए काफ़ी अच्छे किल्स मिल सकते हैं। सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है, देखना पड़ेगा कि जो टीम चिकन डिनर निकालती है उनके कितने किल रहते हैं। यहाँ पे हमारे किल से भागती हुई मिस्टर डेविल को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा टीम नंबर 9 की तरफ से। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे फाइट लेते सर्कल के बाहर टीम नंबर 9 के बंदे, क्या सर्कल के अंदर पहुँच पाएंगे। यहाँ पे ड्रॉप हमारा आता हुआ, यहाँ पे ड्रॉप लूट लिया है। यहाँ पे पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा सारी टीमों को, क्योंकि अर्ली यहाँ पे अगर कोई फाइट लेना चाहे तो काफ़ी दिक्कतों में आ सकता है, होल्ड करके फाइट लेना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 19 के बंदे सर्कल के बाहर सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके पास काफ़ी कवर के लिए कोई भी जगह नहीं है, देखना पड़ेगा कि फ़ाइट कैसे निकाल पाते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छी गन्स उनके पास, M249 भी है, ओम भी है, कुछ कमाल दिखा पाते हैं हमें या नहीं टीम नंबर 19 के उस, देखना पड़ेगा कैसे फाइट निकालती है। यहाँ पे आई के ऊपर से आता हुआ और यहाँ पे एक नॉक भी निकाल दिया है, अकेले बंदे बचे हुए, जल्दी से जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर सर्कल निकल जाएगा, क्या पुश करेंगे टीम नंबर 19 के बंदे, उनको पता है कि पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्कल के बाहर वो भी यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश, यहाँ पे स्मोक भी कर लिया है फिलहाल के लिए तो आराम से रिवाइव हो जाएंगे। IGL हितेश यहाँ पे रिवाइव देते हुए यहाँ पे रिवाइव भी हो जाएंगे। यहाँ पे एम अपने एक एम के साथ स्प्रे देने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ऊपर ट्रेड में फायर आता हुआ और काफ़ी कम एच पी, यहाँ पे फर्स्ट एड पॉपिंग कर लिए, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे AKM के साथ टैग देने की कोशिश, लेकिन फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बंदा नॉक दिखाई दे रहा है हमें। काफ़ी HP कम कर दी थी टीम नंबर 16 के बंदों ने, यहाँ पे टीम नंबर 17 के ऊपर फायर दिया था, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे तैसे बचते हुए यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश टीम नंबर 16 की तरफ से। दो बंदों के लॉस पे खेल रहे, देखना पड़ेगा कि दो बंदों के लॉस पे यहाँ पे कैसे फाइट निकालती है। 7 किल कर चुके टीम IGL यहाँ पे, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाती हुई टीम नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे देखना पड़ेगा K9 कैसे फाइट निकालती है। अगला सर्कल भी हमारा बन चुका है और यहाँ पे जो टीम सर्कल के बाहर काफ़ी दिक्कतों में आ सकते हैं, सर्कल के बीच में हमें टीम नंबर 8 दिखाई दे रहे हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, 3 किल के साथ यहाँ पे अच्छे किल्स निकाल सकते हैं, सिर्फ उनको क्रैशिंग होने से रुकना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे तैसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कि कितने किल्स यहाँ से निकाल के जाती है टीम नंबर 8, कैसा गेम प्ले दिखाती है। यहाँ पे टीम नंबर 1 यहाँ पे लगातार फाइट लेते हुए, देखना पड़ेगा कि कुछ नॉक फिनिश निकाल पाती है नहीं। उनके आसपास टीम नंबर 17 के बंदे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सर्कल के बाहर भी टीम दिखाई दे रहे हैं हमें, टीम नंबर 19 का बंदा लेटा हुआ आराम से, यहाँ पे टीम नंबर 14 का बंदा एक नॉक होता हुआ, देखना पड़ेगा कि रिवाइव हो पाती है या नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी फाइट देखना। यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर दिया जाएगा, सर्कल यहाँ पे आता हुआ अगला सर्कल भी हमें बनता हुआ दिखाई देगा।
कौन सी टीमें सर्कल के बाहर है, एक टीम हमें सर्कल के बाहर दिखाई दे रही है, बाकी की टीमें आराम से लेटी हुई है। यहाँ पे 21 बंदे अभी भी जिंदा है और 9 टीमें अभी भी। ओ भाई साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है, यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टीम नंबर 4 की तरफ स्प्रे आता हुआ और यहाँ पे टीम नंबर 1 ने पूरा का पूरा वाइप आउट कर लिया टीम नंबर 4 को। काफ़ी अच्छी फाइट ले रहे, देखना पड़ेगा कि यहाँ से कोई यहाँ पे टीम नंबर 21 के बंदे को स्पॉट करने की कोशिश। यहाँ पे अच्छी एचपी भी कम कर दी थी, फाइट निकाल दी। यहाँ पे टीम नंबर 21 को फर्स्ट भेज देते हुए यहाँ पे थोड़ा नॉक कर दिया जाएगा, क्या फिनिश कर पाएंगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 21 के बंदे यहाँ पे क्या रिवाइव दे पाएंगे अपने टीममेट को, यहाँ पे होल्ड करके देखने की कोशिश। यहाँ पे टीम नंबर 8 अभी भी सर्कल में, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया टीम नंबर 21 ने। यहाँ पे टीम नंबर 14 की तरफ से स्पॉट करने की कुछ, टीम नंबर 16 के अकेले बंदे बचे हुए, पोजीशन निकालना पड़ेगा उनको। यहाँ पे टीम नंबर 17 के ऊपर केयर भर पाते हुए टीम नंबर 16 के बंदे, यहाँ पे टीम नंबर 1 का बंदा क्लोज इन करता हुआ टीम नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे टीम नंबर 17 पूरी की पूरी वाइप आउट होती हुई, यहाँ पे टीम नंबर 19 हमें दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 19 के सामने टीम नंबर 16, यहाँ पे अकेले बंदे यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। टीम नंबर 19 की तरफ नॉक आता हुआ और यहाँ पे IGL आदित्य को यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा टीम नंबर 19 के बंदे यहाँ पे क्या ऑम के साथ कुछ कमाल दिखा पाएंगे। काफ़ी अच्छी गन्स उनके पास सर्कल के बाहर। यहाँ पे टीम नंबर 21 यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करते हुए यहाँ पे टीम नंबर 19 के ऊपर भी स्प्रे आता हुआ टीम नंबर 1 की तरफ से। यहाँ पे टीम नंबर 21 कैसे फाइट निकालती है देखना पड़ेगा। टीम नंबर 8 अभी भी सर्कल में, टीम नंबर 19 यहाँ पे 5 टीमें हमें दिखाई दे रही है टीम नंबर 8 के बंदों की तरफ से स्पॉट करने की कोशिश लगातार टीम नंबर 19 के बंदे के ऊपर स्प्रे आता हुआ। देखना पड़ेगा कि पूरा फिनिश कर पाते हैं नहीं, अकेले बंदे टीम नंबर 19 की तरफ से अच्छा स्प्रे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर पहुँच जाएंगे या नहीं। यहाँ पे लगातार खरीदने की कोशिश लेकिन पूरा वाइप आउट कर दिया जाएगा टीम नंबर 1 की तरफ से। देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक बचे रहते टीम नंबर 1। यहाँ पे हीलिंग करना पड़ेगा, फर्स्ट एड पॉपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्मोक तो कर लिया है, काफ़ी अच्छे इस्तेमाल यहाँ पे स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है हमें टीम नंबर 1 की तरफ से। यहाँ पे टीम नंबर 8 के ऊपर पुश होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें टीम नंबर 21 की तरफ से। कौन सी टीम यहाँ से बच के निकल पाएगी, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगी कोई भी टीम यहाँ से बच के निकल पाती है तो। 4 टीमें अभी भी जिंदा है, 9 बंदे अल्लाह है। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहाँ से चिकन डिनर निकालती है। यहाँ पे काफ़ी इंटेंस सिचुएशन, सर्कल भी बन चुका है, काफ़ी छोटा सर्कल बन चुका है लेकिन अभी भी 4 टीमें हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे पोजीशन लेके काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन ली हुई है ग्रोजा के साथ। देखना पड़ेगा कि बंदे अंदर पुशिंग करते हैं या नहीं, यहाँ पे कैंपिंग करने की कोशिश, फूड्स नहीं दे रहे। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई आता है या नहीं, देख काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये फाइट देखना। अपने अपने पोजीशन लेके बैठे हुए टीम नंबर 8 के बंदे, क्या कोई भी टीम यहाँ से पुश इन करेगी। यहाँ पे सर्कल के बाहर दोनों ही टीमें, सर्कल के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, यहाँ पे अर्ली फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर फाइट डिले करते हैं दोनों ही टीमों को नुकसान होगा। यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश लगातार टीम नंबर 21 के बंदे यहाँ पे पुश इन कर चुके हैं। यहाँ पे अकेले बंदे IGL की टीम से हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे क्लोज लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हैं और यहाँ पे नॉक भी कर दिया है। देखना पड़ेगा कि फिनिश कर पाते हैं या नहीं। SKS के साथ डैमेज देने की कोशिश, अच्छे खासा डैमेज भी दिया था। यहाँ पे क्लोज रेंज देखना पड़ेगा कि टीम नंबर 21 का बंदा है या नॉक फिनिश हो पाता है या फिर फाइट निकाल लेते। सर्कल निकल चुका है, जो भी टीम सर्कल के बाहर सर्कल के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कल के अंदर जाने की कोशिश टीम नंबर 21 की तरफ से। देखना पड़ेगा कि IGL की टीम और यहाँ पे ऊपर एक ख़त्म कर दिया है उनको यहाँ पे, और नॉक भी होते हुए टीम नंबर 21 के बंदे। यहाँ पे 2 बंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 टीमें अलाइव। टीम नंबर 8 भी अपने बंदे को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टीम नंबर 21, टीम नंबर 8 और टीम नंबर 1 हमें 3 टीमें दिखाई दे रही है। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहाँ से फाइट निकालती। टीम नंबर 1 के अकेले बंदे बचे हुए हैं, टीम नंबर 8 के ऊपर काफ़ी अच्छा स्प्रे आता हुआ है, 0 HP कर दिया था। यहाँ पे लेटे हुए क्या स्पॉट कर पाएंगे, यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर दिया है टीम नंबर 1 को। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट निकालती हुई टीम नंबर 8। देखना पड़ेगा कि टीम नंबर 21 या टीम नंबर 8 इसमें से कौन सी टीम चिकन डिनर निकाल पाती है। एडवांटेज अभी भी टीम नंबर 8 के पास, एक बंदे को रिवाइव देना पड़ेगा, 2 बंदे हो जाएंगे उनके पास, गन पावर भी अच्छा हो जाएगा। टीम नंबर 8 के बंदे चढ़ते हुए उनके ऊपर लगता है उनको स्पॉट कर लिया है
देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहाँ से फाइट निकालती है। यहाँ पे नेट्स करने की कोशिश, पोजीशन उनको पता नहीं कि कहाँ पे बंदी, यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश की थी टीम नंबर 21 की तरफ से, एक बंदा नॉक भी होता हुआ टीम नंबर 8 का। यहाँ पे 2v2 के फाइट देखना पड़ेगा कि रिवाइव हो पाते या नहीं, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कौन सी टीम यहाँ से चिकन डिनर निकाल पाएगी, काफ़ी अच्छे किल्स किया है टीम नंबर 21 ने। यहाँ पे टीम नंबर 21 के एक बंदे को नॉक कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्या रिवाइव हो जाएंगे देखना पड़ेगा। सर्कल कभी भी आ सकता है, सर्कल निकलता हुआ यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, सर्कल के बाहर है। यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे की तरफ से भी रिवाइव देने की कोशिश, यहाँ पे प्ले जोन से एक नॉक होता हुआ, यहाँ पे एक 1v1 के फाइट देखने को मिल सकती है। कौन सी टीम यहाँ पे निकालेगी, यहाँ पे एक बंदे को खड़ा तो कर दिया है, देखना पड़ेगा कि दूसरे बंदे को रिवाइव दे पाती है। यहाँ पे नेट के साथ एक किल होता हुआ, 2v1 की सिचुएशन, यहाँ पे काफ़ी कम HP टीम नंबर 8 के बंदे की। यहाँ पे ग्रोजा के साथ कुछ कमाल दिखा पाते हैं या नहीं, यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश लेकिन स्पॉट कर लिया था लेकिन नॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे 1v1 के फाइट देखना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नंबर 21 यहाँ पे चिकन डिनर निकालती हुई, IG गेमिंग काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाती हुई 16 किल्स के साथ यहाँ पे चिकन डिनर निकालती हुई, फुल बूम बाम, काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाया, बोथ हार्ड बोथ हार्ड। एक टाइम सर्कल के बाद थी टीम IG गेमिंग यहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से अकेले बंदी ने फाइट निकाली, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके 16 किल चिकन डिनर निकाला। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम IG गेमिंग, फुल बूम बाम बोलते। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि IG गेमिंग ने अपने स्किल सेट का इस्तेमाल करके कैसे चिकन डिनर निकाला। अगर आप भी खेलना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप भी वहां से ज्वाइन करके फ्री में कस्टम खेल सकते हो और अपने स्किल सेट का इस्तेमाल करके बंदों को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, सपोर्ट करो अपने भाई को। तो मिलते हैं अगले मैच के हाईलाइट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।